जैन दोस्तों, आज फिर में हम आपको बताएंगे क्लास 10 पे हाल पे एग्जामिनेशन बाय स्टेट इंग्लिश का पेपर। दोस्तों आपका जो अंग्रेजी का पेपर होने वाला है 1 दिसंबर द्वारवास को, दोस्तों यही पेपर आपकी यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए इस पेपर के आपको नक होने वाला 75 अंकों का और यहाँ पर समय होने वाला 3 घंटे का। और दोस्तों इस पेपर में टोटल 16 क्वेश्चन पूछे जाने वाले। दोस्तों ये 100% रियल पेपर है, यही पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए, आपको इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना होगा। दोस्तों आपको यहाँ पर इस पेपर का सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपका पहला क्वेश्चन पूछा है सेक्शन ए से रीडिंग, या पहले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पेजेस एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। दोस्तों आपको यहाँ पर एक यहाँ पर गद्यांश दिया हुआ है, मतलब पेजेस दिया गया है, इस पेजेस को आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो दोस्तों फटाफट इनके आंसर भी लगाते जाइए। तो पहले में दोस्तों आपका पहले क्वेश्चन में आपका राइट आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले में आपका ए वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद देख लीजिए आपके पास दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है द पीपल सॉ द गोल्डन प्लेटल, तो इसमें इसका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसमें लगा लीजिए, इसमें दोस्तों आपका बस सी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर अगला यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो तीसरे में दोस्तों आप आंसर लगा लीजिए, तीसरे में दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। पटा दोस्तों इनका आंसर याद करते जाइए। उसके बाद दोस्तों देख लीजिए आपका यहाँ पर दोस्तों चौथा यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चौथे क्वेश्चन में आप आंसर लगा लीजिए, चौथे क्वेश्चन में आपके पर ए वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों इनके आंसर आपको सिर्फ यहाँ पर इस पेजेस से चार्ट कर लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आपके पांच यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, तो पांचवे क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिए, पांचवे क्वेश्चन में आपका यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर गेटिंग ओल्ड आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसमें आ जाएगा आपका गेटिंग ओल्ड आ जाएगा, ठीक है, जिससे आपके 5 नंबर इस पेजेस के कम्प्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है रीड द फॉलोइंग पेजेस एंड आंसर द गिवन बिलो। दोस्तों आपको यहाँ पर एक पेजेस दिया हुआ है, ठीक है, इस पेजेस को आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर नीचे 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपका पहला क्वेश्चन पूछा है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर लगाते जाइए, पहले क्वेश्चन में आपका यहाँ पर ए वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपको यही से चार्ट कर लिखना है, तो दो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा ए वाला, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए आपके पास दूसरे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिए, दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों आपका यहाँ पर ए वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये 3 के नंबर 5 5 नंबर, क्योंकि दोस्तों ये पेजेस आपकी परीक्षा में आने वाले 5 5 नंबर के, ठीक है। बस आपको यहाँ पर इनके आंसर आपको इसी पेजेस चार्ट कर लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए आपके पास तीसरे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिए, तीसरे क्वेश्चन में आपका यहाँ पर लीवर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर लगा लीजिए, तो चौथे क्वेश्चन में दोस्तों आपका यहाँ पर बी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपका पांचवे क्वेश्चन में राइट आंसर लगा लीजिए, पांचवे क्वेश्चन में आपका यहाँ पर प्रोटेक्शन आ जाएगा, ठीक है। प्रोटेक्शन इसमें राइट आंसर आ जाएगा, जिससे आपके 5 नंबर इस पेजेस से कंपेयर हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए आपके यहाँ पर सेक्शन बी दिया हुआ है, सेक्शन बी में आपको क्या करना है, राइटिंग। मतलब दोस्तों आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है रीड द पेजेस एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल। दोस्तों ये आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दोस्तों सबसे पहले आपको इस पेजेस को अच्छे से पढ़ लेना होगा। इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले आपको लिखना है टाइटल लिखना है, टाइटल के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नोट्स लिखना है, ठीक है। आपको दो यहाँ पर बात इसमें लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सा टाइटल आएगा, कौन सा आपको नोट्स आएगा, इसका आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट की आपको एक एप्लीकेशन याद करना है, ठीक है। तो इसका उत्तर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो वहां देखकर इसका उत्तर याद कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर दोस्तों आप इसके अगले वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। इसके अगले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या करना है, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। यू आर प्रमोद मिश्रा राइट ए लेटर टू योर पेरेंट अमित
inviting him to attend the marriage ceremony of your birthday. मतलब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके यहाँ पर भाई की शादी में आपके दोस्त को इनवाइट करना है, इसके बारे में आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है, जिससे आपके चार नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 का यहाँ पर इसका आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अब स्किप देखिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है दोस्तों। क्वेश्चन 5 में क्या करना है यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन 5 में यहाँ पर पूछा है राइट एन एसे और एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड। दोस्तों आपको 150 शब्द में किसी एक विषय पर आपको एक निबंध मतलब ऐसे याद करना है, ठीक है। तो दोस्तों फटाफट दो यहाँ पर वर्ल्ड ऑफ साइंस का लेवल याद कर लीजिए। वैसे तो आपको दोस्तों यहाँ पर वर्ल्ड ऑफ साइंस का निबंध आपको आपके विद्यालय में लिखवा दिया होगा, ठीक है। तो फटाफट याद कर लीजिए। या फिर दोस्तों आप इसके अर्थ वाले क्वेश्चन पर भी कर सकते हैं। इसके अर्थ वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, राइट एन आर्टिकल ए पैराग्राफ और एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड। दोस्तों आपको किसी एक टॉपिक पर यहाँ पर पैराग्राफ का निर्माण करना है, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए आपका यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन पूछा है, चौथे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो डिस्क्राइब How we can keep ourselves fit and healthy। दोस्तों आपको इसके fit and healthy के बारे में आपको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक इस पिक्चर्स को देखकर आपको एक पैराग्राफ का निर्माण करना है, मतलब पैराग्राफ लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो इसका उत्तर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके देख लीजिए आपका यहाँ पर दोस्तों सेक्शन सी दिया हुआ है। सेक्शन सी में आपको पूछा गया है यहाँ पर ग्रामर। तो सेक्शन सी में आपको क्या करना है, ग्रामर लिखना है, मतलब ग्रामर की आपको पूर्ति करना है, ठीक है। तो फटाफट इनके आंसर लगाते जाइए। तो पहले में दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर एन आ जाएगा, ठीक है। तो पहले में आपका एन आ जाएगा, दूसरे में आंसर लगाते जाइए, दूसरे में आपका ओप आ जाएगा, ठीक है। तो तीसरे में आंसर लगाते जाइए, तीसरे में आपका यहाँ पर बीकम आ जाएगा, ठीक है। बीकम इसमें राइट आंसर आ जाएगा। चौथे में आपका सोड आएगा, यहाँ पर पांचवे में आपका दोस्तों लगाते जाइए, पांचवे आपका बीका आएगा, छठे में दोस्तों आपका यहाँ पर एनी आ जाएगा, ठीक है, जिससे आपके यहाँ पर 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपको 6 क्वेश्चन दिए, तो 6 में सिर्फ आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन के आंसर याद करना है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर 6 के आंसर बता दिया है, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए आपके पास 8 क्वेश्चन पूछा है। तो 8 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डू अस डायरेक्टेड एनी 5। दोस्तों आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए, 6 में सिर्फ आपको 5 क्वेश्चनों के आंसर याद करना है। डू अस डायरेक्टेड जैसा कह रहा है वैसा आपको करना है, इसके आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। अब स्टेप देख लीजिए आपके यहाँ पर 9वां क्वेश्चन पूछा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एन ए 6 है। दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चनों के आंसर देना है, सिर्फ यहाँ पर 6 क्वेश्चनों के, 6 क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर फटाफट इनके आंसर लगाते जाइए। तो पहले में आपका आ जाएगा हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट। तो जो लेंचो है दोस्तों वो कितना यहाँ पर पैसा या तो पैसे या मनी का है, मतलब पैसे की यहाँ पर इच्छा कर रहा था, ठीक है। तो इसका उत्तर लगा लीजिए, इसमें दोस्तों आपके पास ए वाले इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब स्टेप देख लीजिए आपके पास दूसरे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिड द काउ स्लेक ऑन द पॉइंट। तो इसका आंसर लगा लिए, इसका आंसर दोस्तों आपका बी वाला इसका राइट आंसर आया, डस्ट ऑफ स्नो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आपके पास तीसरा क्वेश्चन पूछा है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज ए कंट्री ग्रेटेस्ट वेल्थ। तो दोस्तों इसका आंसर लगा लीजिए, इसमें आपके यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर इसका बी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए आपके पर चौथा क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ दिस नेम डिड अली गिव टू हियर डायरी। दोस्तों इसका आंसर लगा लीजिए, इसमें आपका यहाँ पर किट्टी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए आपके पांच क्वेश्चन पूछ रहा है, इन व्हाट वे पिग्गी वाज क्रुएल टू वंदा। तो इसका आंसर लगा लीजिए, इसमें आपका दोस्तों यहाँ पर डी वाले इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, सी यूज टू ड्यूली हियर, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आपका पर दोस्तों छठे यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, कोर्ग एज फॉर्मास फोर। तो इसका आंसर लगा लीजिए, इसके आंसर में दोस्तों आपका जाएगा कॉफी आ जाएगा, ठीक है, सी वाले से लाइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आपके पास सात क्वेश्चन पूछा है, सात क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिए, सात क्वेश्चन में आपका आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर लगा लीजिए आप बी वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सात क्वेश्चन दिए, सात में सिर्फ यहाँ पर दोस्तों सिर्फ यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन का आंसर याद करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन।
क्वेश्चन पर। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 10 देख लीजिए। क्वेश्चन 10 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन 10 का यहाँ पर ए वाला क्वेश्चन दिया है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोस एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल पर सभी कक्षा के रियल पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए आपके पास 10 क्वेश्चन पूछे, आपको इस क्वेश्चन में एक एक्सेस फॉर्म दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको पढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन दिया है तो पहले का आंसर लगा लीजिए। पहले में दोस्तों आपका राइट आंसर लगा लीजिए यहाँ पर ए वाला, ठीक है, ए लेटर लेटर टू गॉड, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए दूसरे में आपका आंसर लगा लीजिए, दूसरे का आंसर दोस्तों आपके पास सी वाले इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, सी वाले इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए आपके पास तीसरा क्वेश्चन आप पूछ रहा है, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी आप लगाते जाइए। तीसरे क्वेश्चन में दोस्तों आपके पास आंसर यहाँ पर सी वाले इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब से आप देख लीजिए आपके पास दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, ठीक है। दोस्तों आप देख लीजिए आपके अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों बी वाला, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। दोस्तों आपको यहाँ पर एक है पैसे दिया है, सॉरी यहाँ पर आपको यहाँ पर एक पॉलिटी जैसा मतलब एक पोइम जैसे यहाँ पर देखा है, इसको अच्छे से देख लीजिए। इसको देखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन इनके आंसर में आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके पहले में दोस्तों आप लगा लीजिए फायर एंड आइस, ठीक है। दूसरे में आप लगा लीजिए, दूसरे में आपको यहाँ पर डाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए तीसरे में आपका राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर लगा लीजिए, तीसरे में दोस्तों आपके यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉन्ट आ जाएगा, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉन्ट इसमें राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है, जिससे आपके तीन हमें यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में 11 देख लीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 31 एंड 6। दोस्तों आपको यहाँ पर 30 मतलब दोस्तों 30 शब्दों में आपको यहाँ पर प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो लेंचो की आशा क्या आती है, ठीक है, या इसके बारे में आप बताना है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिया है, ठीक है। 7 के बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिए, 7 में सिर्फ आपको 6 क्वेश्चन का आंसर याद करना है। इनके आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो वहां देखकर इनके आंसर लगा लीजिए, याद कर लिया, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आपके पास दोस्तों 12 क्वेश्चन पूछा, 12 क्वेश्चन में आपको एनेटो आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों में सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन का आंसर याद करना है। इनके आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास 13 क्वेश्चन पूछा, 13 क्वेश्चन का आंसर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों में सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन का आंसर याद करना है, ठीक है। और दोस्तों अब देखिए आपके पास 14 क्वेश्चन पूछा, 14 क्वेश्चन आपको क्या करना है, एनेटो आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों में सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन का आंसर याद करना है, ठीक है। और इनके उत्तर आपको परीक्षा में 75 वर्ड में लिखना है, इनके उत्तर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। अब स्टेप देखिए आपका 15 क्वेश्चन अब पूछा है, 15 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए, ठीक है, अटो में, तो आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर याद करना है, जिससे आपके दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट आएंगे, ठीक है। और आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का उत्तर ही याद करना है, ठीक है। इनके आंसर आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों 16 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए, 16 क्वेश्चन का आंसर भी आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको इस पेपर का सोल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। दोस्तों अब यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ कक्षा 10 का जो हिंदी का पेपर दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था पेसेस वाला, तो पहले में आपका तो ए वाला आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर फटाफट लगाते जाइए। दूसरे में आपका यहाँ पर सी वाला इसका राइट आंसर आएगा, यहाँ पर तीसरे में आपका यहाँ पर ए वाला इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पर चौथे में आपका ए वाला आ जाएगा और पांचवे में आपका यहाँ पर डी वाला आ जाएगा, जिससे आपके 5 यहाँ पर पेसेस के कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ से देखकर आंसर लगा लीजिए और याद कर लीजिए। अब उसके बाद देख लीजिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पेसेस के या पेसेस का आंसर जवाब देना था, ठीक है। तो पहले का यहाँ पर आंसर लगा लीजिए, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर ए वाला जाएगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपका ए वाला जाएगा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपका सी वाला जाएगा। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर आपका बी वाला जाएगा और पांचवे क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर दोस्तों डी वाला आ जाएगा, जिससे आप 5 नंबर स्पेसेस के कंपेयर हो जाएंगे। उसके बाद आप देख लीजिए आपका यहाँ पर प्रश्न 3 पूछा था, प्रश्न 3 में आपको यहाँ पर टाइटल और नोट से लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, टाइटल आपका यहाँ पर आ जाएगा, हाइट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नोट्स दिया हुआ है, ठीक है, मैं आपको जूम कर देता हूँ, यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर नोट्स दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर इसका नोट्स यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। उसके बाद देख लीजिए आपके यहाँ पर
प्रशांत पूछा रहता है प्रशांत पूर्ण में आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखना था ट्रांसफर सर्टिफिकेट की, मतलब टीसी की, ठीक है। तो यहाँ पर टीसी की यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन दी गई है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल रीवा। जो भी आपके क्वेश्चन में जो नाम दिया गया स्कूल का ये आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। सब्जेक्ट अल एप्लीकेशन फॉर टीसी रिस्पेक्टेड सर या मैडम, ठीक है। वी डू रिस्पेक्ट दिस इज इंफॉर्म यू दैट आई एम अ 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। माय फादर इज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, हिज जॉब नेचर इज ट्रांसफर्ड एंड ही हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम भोपाल टू भोपाल, सो नो वी हैव टू शिफ्ट देयर क्विकली एंड आई हैव टू टेक एडमिशन इन स्कूल देयर टू कंटिन्यू माय एजुकेशन फॉर दैट आई नीड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। देयरफॉर आई स्ट्रॉन्गली रिक्वेस्ट यू टू अर्जेंटली इशू माय। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपको जो एप्लीकेशन है दोस्तों बस आपको परीक्षा में एक ही पेज में लिखना है, आपको दूसरे पेज में नहीं लिख देना है, ठीक है, जिससे आपके एप्लीकेशन गलत हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख रखा है ये गलत है, ठीक है, बट हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं बची थी इसलिए हमने ऐसा लिखा है, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। परीक्षा में स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट सो दैट आई कैन गेट एडमिशन इन एनी स्कूल इन मुंबई, आई विल बी फॉरएवर ग्रेटफुल टू यू आर फॉर दिस काइंडनेस, थैंकिंग यू योर ऑबेडिएंटली अलोक शर्मा। जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन में नाम दिया जाएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। क्लास 10th है, रोल नंबर यदि आपको लिखना है दोस्तों तो लिख सकते हैं, यदि आपको नहीं लिखना है दोस्तों तो नहीं लिख सकता, ठीक है। यहाँ पर डेट लिख सकता आप, ठीक है। उसके यहाँ पर तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका 4 कम्प्लीट होगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 के बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर ये हमारा हो गया दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन 4 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 5 देख लीजिए, क्वेश्चन 5, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन 5 में आपको यहाँ पर किसी एक टॉपिक का निबंध याद करना था, ठीक है, तो वो तो आप कर लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन 6 देख लीजिए, क्वेश्चन 6 में आपको एक पिक्चर दी गई थी, उस पिक्चर के बारे में आपको लिखना था, तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए और याद कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 दिया है LE5। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पर ग्रामर दी गई थी, ग्रामर में दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपका पहले खाली स्थान में आपका L आ जाएगा, ठीक है, दूसरे खाली स्थान में आपका O आ जाएगा, तीसरे खाली स्थान में आपका यहाँ पर बीकम आ जाएगा और चौथे खाली स्थान में आपका सूट रहेगा, ठीक है, और पांचवे खाली स्थान में आपका बीकआउट आ जाएगा और छठे खाली स्थान में आपका NE आ जाएगा, जिससे आपके यहाँ पर 5 में ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर 6 क्वेश्चन के उत्तर दिए गए, आपको सिर्फ यहाँ पर 5 क्वेश्चन के उत्तर याद करना है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आपके पर 8 क्वेश्चन दिया जाता है डू अस डायरेक्ट LE5। दोस्तों आपको यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर 5 क्वेश्चन का उत्तर याद करना था, ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए पहले का यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है, यहाँ से देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर पहले का उत्तर यहाँ पर दिया है, दूसरे का उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आराम से याद कर लीजिए, तीसरे उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है, और दोस्तों आप वो क्या करना है यह उत्तर दोस्तों आपको रफ कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर चौथे का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, और पांच का आंसर यहाँ पर दिया है, छठे का आंसर यहाँ पर दिया, तो आपको 6 क्वेश्चन के उत्तर यहाँ पर दिए गए, सिर्फ आपको 6 में से यहाँ पर 5 क्वेश्चन के उत्तर याद करना है, ठीक है। अब उसके 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, 9वां क्वेश्चन आपको पूछा गया था दोस्तों पैसे, ठीक है, पैसे आप सॉरी यहाँ पर आंसर द पोलियम क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए पहले में आपका यहाँ 100 पैसे आ जाएगा, ठीक है, 100 पैसे आ जाएगा, दूसरे में आपका डस्ट ऑफ स्नो आ जाएगा, और आप तीसरे में आपका एक्स पीपल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आप चौथे में आपका किट्टी आ जाएगा, पांच में आपका सी यूज टू दिल्ली हेयर आ जाएगा, ठीक है, और छठे में आपका यहाँ कॉपी आ जाएगा, सात में आपका अंडर पीपल हिस्ट्री आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर 7 क्वेश्चन दिए, 7 में से तो आपको 6 क्वेश्चन का आंसर याद करना है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर ए वाला दिया है, इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर एक्सेप्ट फॉर्म दी गई थी, ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर गद्यांश विशेषण दिया गया था, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर पहले का यहाँ पर ए वाला आ जाएगा, ठीक है, दूसरा आपका सी वाला जाएगा, तीसरा आपका सी वाला आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आपका बी वाला क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर बी वाला क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दे ले, 10 का यहाँ पर बी वाला क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर दिया है, ठीक है, तो पहले में आपका ए वाला जाएगा, दूसरे में आपका बी वाला जाएगा, और तीसरे में आपका सी वाला जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आपका यहाँ पर दोस्तों 11 क्वेश्चन पूछा गया था, 11 क्वेश्चन में डायरेक्ट हमारे आ जाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर, ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आराम से यहाँ पर याद करें, ठीक है। यहाँ पर दिया गया दोस्तों LE6, आपको 6 क्वेश्चन का आंसर याद करना है क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है, तो पहले के आंसर दिया है व्हाट डिड लेंचो हॉप फॉर, तो यहां पे इसका आंसर दिया है लेंचो हॉप्ड फॉर द रेन फॉर हिज क्रॉप्स फेल, ठीक है, इसका आंसर यहां पर दिया है। अब दूसरे का आंसर यहां पर देख लिया, अब दूसरा क्वेश्चन यहां पर दिया है, और दूसरे का आंसर आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए आपके पास तीसरे क्वेश्चन दिया है, तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहां पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद आप देख
देख लीजिए चौथा क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगा। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है तो चौथे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आपका पांच क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक है, ये पांच क्वेश्चन आपका, तो पांच क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे मिल जाएगा। छठे क्वेश्चन यहाँ पर दिया है तो छठे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर देख लीजिए, छठे क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक है, आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यदि आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप कर दिया तो आप यहाँ पर समझ नहीं पाओगे कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा आंसर है। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए आपके यहाँ पर दोस्तों अगला यहाँ पर सात क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको सात में सिर्फ यहाँ पर सिक्स क्वेश्चन के उत्तर याद करना है। ठीक है, यहाँ पर दिया है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आपका बारह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एनी टू यहाँ पहला क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए आप उत्तर दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए इसका उत्तर यहाँ पर दिया है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर दिया। आपको तीन में सिर्फ यहाँ पर दो क्वेश्चन का उत्तर याद करना है। ठीक है, आंसर याद करना है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आपका तेरह क्वेश्चन पूछा है। तेरह क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का उत्तर याद करना है। या पहले का यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है, या दूसरे का यहाँ पर उत्तर दिया है। आराम से आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आपका यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ अगला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हो आपको एनी टू मतलब यहाँ पर तीसरा यहाँ पर आंसर दिया। ठीक है, तो आपको तीन में सिर्फ आपको दो क्वेश्चन का उत्तर याद करना है। ठीक है, यहाँ पर चौदह क्वेश्चन देख लिए, चौदह क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दो क्वेश्चन का उत्तर याद करना है। पहला का आप उत्तर दिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन के साथ आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरे का यहाँ पर उत्तर दिया है। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए तीसरे का यहाँ पर आंसर दिया। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए आपके पंद्रह क्वेश्चन में आपको क्या करना था। पंद्रह क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का उत्तर याद करना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए राइट द सेंटर आइडिया ऑफ द पोएम एक टाइगर इन द जू, इसका सेंटर आइडिया आपको दिया गया है, मतलब उत्तर यहाँ पर दिया, आंसर दिया आपको, यहाँ से देखकर याद करें। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए इस पेपर में लास्ट क्वेश्चन बचा जाता है दोस्तों, यहाँ पर सोलह क्वेश्चन, तो सोलह क्वेश्चन का उत्तर दिया हुआ है, यहाँ से देखकर याद करें। तो दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन नंबर एक से लेकर सोलह तक के संपूर्ण यहाँ पर सोल्यूशन बता दिया। ठीक है, संपूर्ण उत्तर आपको बता दिया, आपको सिर्फ इस पेपर को अच्छे से रट लेना है। ठीक है, और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सभी कक्षों के रिजल्ट पे मिल जाएंगे, आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और इसके साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी दोस्तों, तो जल्दी जाइए और ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।